नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सोशल मीडिया का उपयोग आजकल हर कोई करता है, यह हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है। यहाँ पर आपको अच्छी बुरी हर तरह की जानकारी भी मिलेगी और लोग भी। अब आपको देखना है कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। युवा और बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया का जमकर उपयोग कर रहे हैं। आजकल बड़ी आम बात है कि किसी भी घटना का वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। यह सरकारी तंत्र से लेकर निजी जानकारी वाला वीडियो भी हो सकता है। देखने में आता है कि अब तो कई बार अपराधी तक इन वायरल वीडियो के आधार पर धर लिए जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपनों में से या आपके साथ उठने बैठने वाले लोग ही आपके साथ कब दगा कर जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। अब देखिए आप कि एक महिला के बेटे के दोस्त ने ही ऐसी हरकत कर डाली कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मामला उदयपुर का है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने बेटे के ही दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बेटे के दोस्त ने महिला की फेसबुक आईडी हैक कर उसके नाम से दूसरी आईडी बना डाली। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने बेटे के दोस्त वहीं के बाल अपचारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया कि बीते दिनों किसी ने उसकी फेसबुक आईडी को हैक कर दूसरी आईडी बना दी और चैट करने लगा। महिला को भी ये पता नहीं चल पाया। अन्य लोगों ने बताया तो महिला ने पता लगाया। सामने आया कि बेटे के दोस्त ने आईडी बनाई थी। इधर सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की प्रिंसिपल ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बताया कि उसके वीडियो को एडिट कर उसमें आवाज़ बदलकर अपशब्द जोड़कर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। पुलिस ने बताया कि एक निजी विद्यालय की प्रिंसिपल ने प्रकरण दर्ज करवाया है। उसने गत दिनों स्कूल की समस्या को लेकर एक इंटरव्यू दिया था। अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो को एडिट कर आवाज़ में अपशब्द भी जोड़ दिए। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। परिचितों से जानकारी मिलने पर महिला ने प्रकरण दर्ज करवाया। तो देखा आपने किस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, भरोसा किसका करें किसका नहीं। ये जो मामला है इस लिहाज से भी काफ़ी ध्यान देने योग्य है कि बच्चे किस कदर दिशाविहीन हैं, कि उन्हें अपने भले बुरे का ही पता नहीं चल पा रहा और इनको सही रास्ते पे लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।